इसमें पहला क्वेश्चन है दिसंबर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। दिसंबर का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें कौन सा इसमें से जो है करेक्ट लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर जो है वो है सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, प्रत्येक जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कौन सी संधि यूज हुई है, तो इसमें जो संधि यूज हुई है वो है यन संधि। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग होगा, अत्यधिक शब्द में उपसर्ग होगा, ये शब्द लिखा हुआ है अत्यधिक, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी अति। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखावट शब्द में प्रत्यय होगा, आपको ये पता होना चाहिए उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में, तो लिखावट शब्द में प्रत्यय होगा, तो इसका सही आंसर जो है वो है आवट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, ये आपके पास चार ऑप्शन है और इसमें आपको ये बताना है कि सबसे सही कौन सा लिखा हुआ है, उज्ज्वल उज्ज्वल और सभी उज्ज्वल लिखे हुए लेकिन सबसे ज़्यादा सही जो है वो कौन सा लिखा हुआ है, तो इसमें ये वाला जो है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है देशभक्ति शब्द में समास का कौन सा भेद है, यहाँ पे जो देशभक्ति शब्द लिखा हुआ है इसमें आपको समास का भेद बताना है कि कौन से समास यहाँ पे यूज़ हुआ है इसमें, तो इसका सही आंसर जो है वो है तत्पुरुष समास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साखी किस कवि की रचना है, साखी जो एक रचना है उसको किस कवि ने लिखा है, तो इसका जो आंसर आपको यहाँ पे चार ऑप्शन, तो इसका सही आंसर जो है वो है सूरदास, सूरदास की ये रचना है। माला तो फिर में फेरी पंक्ति किस कवि की, ये जो आपको यहाँ पे एक पंक्ति दी हुई है माला तो फिर माला तो कर मैं फिरे, तो इसके जो सही आंसर है वो है बी कबीरदास की ये पंक्ति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो प्रेमचंद जो है वो उर्दू में अपने किस नाम से लिखते थे, इसका सही आंसर जो है वो है नवाब रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने पर्याप्त पढ़ लिया वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए, यहाँ पे जो इस वाक्य में जो क्रिया यूज़ हुई है उसकी आपको क्रिया विशेषण बताना है, कौन सी क्रिया विशेषण यहाँ पे यूज हुई है, तो इसका सही आंसर जो है वो है परिमाणवाचक। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम्य आदिबोधक का उदाहरण है, इसमें से कौन से यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो विषम्य आदिबोधक को बता रहा है यानी उसका उदाहरण है, तो इसका सही जो आंसर है वो है सी शाबाश। उसके हैं काल के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए काल के कितने भेद होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, तो काल के तीन भेद होते हैं वर्तमान काल भूतकाल और भविष्यकाल। उसके बाद है अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होगा, अधिकरण सबके एक चिन्ह होते हैं तो इस कारक का अधिकरण कारक का कौन सा इसमें से चिन्ह है, तो इसका है पर। उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है वह स्वयं पत्र लिखता है वाक्य में सर्वनाम का भेद होगा, इस वाक्य में जो ये वाक्य है वह स्वयं पत्र लिखता है इसमें जो है सर्वनाम यूज हुआ है तो वो कौन सा सर्वनाम, आपको बताना है कि सर्वनाम का भेद कौन सा है इसमें से, तो इसका जो है निज वाचक ये वाला सही है।